शांति अभी तुम सुखदाम चलने का पुरुषार्थ करते तुम शुद्र से ब्राह्मण बने हो अब ये तो याद रहना चाहिए ना शुद्र को है दुख जिन ब्राह्मणों को भी दुख की फीलिंग आती है तो उनको यह समझना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ करना है अपने आप के साथ खुद में चैलेंज लेना चाहिए मुझे अच्छे से और पुरुषार्थ करना है। ना कि दुख उठाना है दुख उठाओगे तो दुखी रहोगे और यह भी भूल जाओगे कि दुख लेने वाला और सुख तुमको देने वाला तुम्हारे सम्मुख है तुम तो दुखी रहोगे यानी कि तुम शुद्ध रहो उस समय ब्राह्मण नहीं हो यह पॉइंट याद रखना कि ब्राह्मण परे में भी अगर दुख की अनुभूति होती है तो पुरुषार्थ पर ध्यान दो मेहनत करो मेहनत से क्यों डरते हो अगर मेहनत करोगे तो प्राप्ति होगी ही होगी भगवान ने कहा है भगवान पर निश्चय रखते हो तो उनके कथन पर भी निश्चय रखो कई बार भगवान को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। जो हम रोज कह रहे हैं इसीलिए हम दुखी होते हैं वो जो करे जैसा करे स्वीकार है और वो तुम्हें सुखी बनाने के लिए ही करना चाहते और अगर आपको दुख की अनुभूति हो रही है तो चैलेंज लो ना कि मुझे शुद्र पने से पहले पक्का ब्राह्मण बनना है कुछ तो कमी है तो वो कमी पुरुषार्थ से भरो क्या समझे पुरुषार्थ पर जोर दो तो, मेहनत करो अपने को संपूर्ण बनाने की मेहनत जब ब्रह्मा बाप कर सकते तो हम क्यों नहीं कहीं कहते हैं हम ब्राह्मण बन के भी अभी दुखी है ना इसीलिए पॉइंट बता रहे हैं। अगर ब्राह्मण बनकर भी दुखी है तो ब्राह्मण नहीं है शुद्ध है क्योंकि शुद्र को दुख है ब्राह्मण को अतिय सुख है यह बात याद रखना ब्राह्मण दुखी नहीं हो सकता क्योंकि वो डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी के साथ है तो दुख कैसे उठाएगा और संगम पर अगर दुखी है तो फिर सुख कब पाएंगे क्योंकि सुख की अनुभूति जो है रियल में वो संगम पर है सत्युग में तो नेचुरल है ना अब जो चीज नेचुरल होती है उसमें तो कोई भासना भी नहीं आती जब गलत और सही दोनों चीजें हैं तभी सही का महत्व तो पता चलता है तो दुख भी है चारों तरफ तो आपको सुख का महत्व होना चाहिए इसीलिए अपने ब्राह्मण जीवन की वैल्यू को समझना है इसी कही कहते हैं हम तो आज भी दुखी हैं किसी भी बात का दुख उठाते हो मैंने बाप का निरादर करते हो बाप के साथ तो नहीं हो किसी भी बात का दुख उठाते तो सोच के देखना